देख रहे हैं ये देखिए ऐसा क्या दिक्कत है, ये तुम्हारे गड्ढे में गिर गई ना, ले लेना इंश्योरेंस क्या हमें लगा तुम्हें। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मौज में। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो गाइस, अभी हम कर रहे हैं चेकआउट अपना ही वाला रूम, और हम लोग को निकलना है आज सोनप्रयाग के लिए, और हम लोग की बस है 4:30 बजे, तो हम लोग को जल्दी से यहाँ पहुँचना है बस स्टेशन। तो गाइस, हम लोग को यहाँ से पैदल चढ़ते हुए ऐसे घूम के ऊपर, वहाँ एक चौराहा है वहाँ पर जाना है, फिर वहाँ पर हम लोग को ऑटो टेम्पो जो भी मिलेगा फिर वो हम लोग को ले जाएगा बस स्टेशन तक। और ये देखो, ये लोग भागते आ रहे हैं, भागो, बाय बाय गाइस। थोड़ा सा ऊपर हम चढ़े हैं और उसमें शोल्डर पेन होने लगा है और थकने लगे हैं यार, केदारनाथ में तो और डिफिकल्ट चढ़ाई है। जय भोले बाबा। और हम लोग को टेम्पो यहीं पे मिल गई है, तो जल्दी से बैठते हैं और चलते हैं बस स्टेशन के लिए। तो गाइस, ये जो रास्ता जहाँ से हम लोग आए थे, हम लोग देखिए वहाँ से वो राइट टर्न वहाँ पे लेंगे, वो जो राइट है हम लोग वहाँ से ऊपर से आए हैं, और ये सीधा रास्ता चला गया है बद्रीनाथ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का पोपट हो गया है, उनको कोई और पैसेंजर्स मिल ही नहीं रहे थे, तो हम लोग से ज़्यादा चार्ज करने लगे थे, तो हम लोग अब दूसरी ऑटो देखने जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों वो हम लोग के आगे आगे चल रहे हैं साथ में, जो पहले वाले टेम्पो वाले थे अंकल, वो देखिए वो आगे जा रहे हैं वही हैं वाइट शर्ट में। तो गाइस, ये जो अंकल थे जिनसे हम लोग पहले पूछे टेम्पो के लिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये किसी और टेम्पो में बैठने नहीं दे रहे हैं, मतलब जितने भी टेम्पो वाले सबको भगा दे रहे हैं। ये देखिए देखिए यहाँ पे भी देखिए भगा रहे हैं, देखिए देख रहे हैं, ये देखिए स्टैंड इन लोग का होगा और ये अवैध टेम्पो होगा, तो इसलिए चिल्ला रहे हैं। क्या दिक्कत है इन लोग में, क्या दिक्कत है इन लोग के साथ, इन लोग साथ क्या दिक्कत है, इन लोग इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है, ये तुम्हारे गड्ढे में गिर गई ना, ले लेना इंश्योरेंस क्या हमें लगा तुम्हें, कागज देख लेंगे अब ये गए। अरे तो अभी हम तो तुम्हारे पर प्राथमिकता दे रहे हैं, जो नहीं सारे जज ये भी आ रहा तुम लोग, सारे पकड़ पकड़ कर छोड़ते हो, मारो ये क्या दोगे तुम इनको, है तुम्हारे कागज, कागज है तुम्हारे, तुम्हारे कागज नहीं साले, इनमें चल रहे तुम्हारे कागज, है पहाड़ में चल रहे। तो गाइस, बड़ा ही अजीब था ये लोग, मतलब वो जो अंकल थे उन लोग सबको भगा दिया, इन टेम्पो वालों का सब अवैध है ये वो, इन लोग पास कागज़ नहीं है, और अब हम लोग को भी नहीं छोड़े हैं वो, मतलब वापस चले गए हैं सबको भगा के, अब हम लोग क्या करें यार, ये तो गलत बात है ना, अगर कोई बाहर से आ रहा आप इसका ऐसा ट्रीटमेंट देंगे, मतलब अपने आप ही कोई शहर में आ रहा है तो इन लोग का दिक्कत क्या थी, स्टैंड है ना ऊपर, अच्छा इनका स्टैंड है, सुनो मेरी बात सुनो, ये बताए लोग क्या सोचते हैं, जैसा मुर्गा मिले वैसे काटते हैं भैया, कल बिचारी दो लड़कियां बस स्टॉप गई रात को 11 बजे, बता कितने में 500 में, अरे हम ले रहे थे 100 रुपए 11 बजे नाइट को, आप 100 रुपए लेते हैं, 500 रुपए ये 500 लेते हैं, ये चोर है सारे। अच्छा बात भाई जी, वो नीचे जो ले मैंने की एक काम कर, थोड़ा नीचे आ जाना, आए नहीं उठर के नीचे बस। हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टेशन पे, और वहाँ पे मैटर ये हुआ था, जो वो टेम्पो वाले जिनमें हम लोग टेम्पो में बैठे थे, तो वो जो ई रिक्शा वाला था उनको ये लोग गरिया भगाने लगे थे, मतलब टेम्पो वाले, कि ये हमारा स्टैंड है, तुम यहाँ कैसे आ गए, और हम लोग से बोलने लगे कि ये जो ई रिक्शा सब हैं ये सब जाली है, बिना पेपर के लोग चलाते हैं, और वो ई रिक्शा वाला बोलने लगा हम लोग से कि भाई ये टेम्पो वाले जिनका ये सब स्टैंड बताते हैं ये सब लोगों को लूटते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा लेके 100 रुपये का 300 रुपये लेते हैं, और अब हमको नहीं पता कि कौन सही था कौन गलत था, पर हम लोग भाई सस्ते में आ गए, मतलब जेन्युइन रेट में आ गए हैं, तो अब ढूंढते अपना बस कि हम लोग की बस कहाँ खड़ी है, क्योंकि हम लोग ने अपना जो बस था वो कल ही ऋषिकेश में बुक कर लिया था 5:00 बजे, तो अब सीधे निकलते हैं गाइस सोनप्रयाग के लिए केदार बाबा के दर्शन के लिए। तो गाइस, हम लोग को हमारी बस मिल गई है, हम लोग की सीट भी मिल गई है, तो गाइस बस तो मिल गई है, अब चल के चाय पी लेते हैं थोड़ा सा, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, और बिना चाय के तो भाई दिमाग नहीं खुलता। तुम लोग लेके आओ हम ऑर्डर।
तो गाइज एक अच्छे रिफ्रेशमेंट के लिए एक अच्छी चाय ज़रूर मतलब मस्ट है, लेकिन मतलब लिटरली बोलें तो चाय कुछ खास नहीं है, मतलब जैसे स्टेशन पे मिलती है ना हम लोग की तरह वैसी चाय एकदम रेलवे वाली। हर 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 महादेव, जय ओम नमः शिवाय। तो गाइज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, वी आर ऑफ टू सोनप्रयाग। तो अभी हम लोग एकदम बादलों के बीच में से चल रहे हैं और एकदम जन्नत मतलब स्वर्ग में आ गए गाइस। क्या फील आ रहा, मतलब आई कांट एक्सप्रेस दिस। अगर आप यहाँ होंगे तभी आप फील कर पाएंगे। मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह, तेरे ख्वाबों में तेरी ख्वाहिशों में छुपा, ना जाने क्यों है रोज का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां। तो गाइज अब बस रुकी है खाने होने के लिए मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, या फिर किसी को फ्रेश होना है तो। और गाइज मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मतलब हम बता नहीं सकते कि क्या फील हो रहा, क्या सुकून मिल रहा। मतलब मत जरा नीचे देखो, ये देखो टिका किस पे है। अरे यार कहीं गिर गया गलती से भी ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भी सोच के आया था लोग बुलाएंगे। अच्छा तो बनाए नहीं? नहीं, रास्ते में आगे फिर मौसम ऐसा हो जाता है, फिर थोड़ा एक आधा फुट छटा फिर मन नहीं करता। चलो ठीक है, सॉर्टेड है, अपने मजे लो। बिल्कुल। ये बताइए, ये अलग है, ये अलग है और वो अलग है, तो इसका नाम क्या है? तीन धारा है। ये तीन धारा और सामने वो जो नदी पार का एरिया वो पौड़ी में है। तो गाइज ये देखिए, ये दो डिस्ट्रिक्ट है और ये जो रिवर है ये है क्या बोलते हैं बॉर्डर। तो ये है तीन धारा और वो है पहाड़ी या पेड़ी, क्या बताए थे वो अंकल ने। तो ये रिवर, ये रिवर हाँ नहीं वो ये है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो गाइज ये रिवर दो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रही है। तो गाइज अब चले कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा भूख भी लग रही है। और क्या खाए जॉन्स? मैगी। तो ये है इनका मेन्यू और भाई को खाना है मैगी, तो जाओ मैगी बोल दो हमारे लिए। तो गाइस हमारी मैगी आ चुकी है। इस फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई है। तो गाइस मैगी खा लिया है और जल्दी चलते बस में बैठते हैं क्योंकि बस निकल रही है और वो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं कि भाई जल्दी आ जाओ। ये है भागीरथ नदी और ये देखिए वहाँ, ये वहाँ जाके अलकनंदा से मिल जा रही है और फिर ये बन जाती है गंगा। तो बस अब दूसरी बार रुकी हुई है, मतलब जिसको अगर फ्रेश फ्रेश होना मतलब बाथरूम लगा है तो कर लेगा। और हम चल के चिप्स ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैगी से कहाँ पेट भरेगा, थोड़ा कुछ खाने के लिए होना चाहिए बस में, तो चल के चिप्स ले लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है तो गाइस अभी 10:30 बज रहा है और हम लोग 12:30 के करीब पहुँचेंगे, तो अभी तो है टाइम पहुँचने में। ये अफसाने इन लम्हों में खो गए, हम घायल थे। गाइस यहाँ पे बड़ा गंदा ही फंस गया है हम लोग की बस, एकदम आगे जाम लग गया है और ये देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। भाई साहब ये पूरा वो देखिए वहाँ तक जाम लगा है, गाड़ियाँ वहाँ तक लगी हुई हैं। तेरे होठों की है सुबह, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग
और यहाँ तो अभी बारिश हो रही है। पहले हम लोग का प्लान था कि हम लोग आज ही केदारनाथ की ट्रैकिंग चालू कर देंगे चढ़ाई, पर अब प्लान में चेंज है, हम लोग नहीं आज चढ़ाई करेंगे, हम लोग सुबह चढ़ाई करेंगे क्योंकि ये प्रेफरेबल टाइम सुबह ही रहेगा। अभी जाएंगे तो अंधेरा भी हो जाएगा और दूसरी बात बारिश भी हो रही है, तो अभी हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोग का स्टे का कहाँ करना है, तो रूम वूम पता करते हैं क्या प्राइसिंग कैसे क्या है। कैसे गाइस, हम लोग ने दो रूम देखे यहाँ पे, रूम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। एक रूम देखा उसका रेंट था 3500, मतलब बहुत ही बेसिक सा रूम था, और एक और रूम था मतलब हम लोग देखने नहीं गए, उनने सीधा रेंट बताया था, उसका रेंट था 5000 रुपीज, मतलब शेयरिंग में क्या इनका क्या हिसाब है कि 2500 रुपये दो लोग का। जैसे हम लोग चार लोग हैं, हम मम्मी पापा और वंश, तो दो लोग का 2500 रुपये, मतलब चार लोग का 5000 रुपये, तो इसको ये लोग शेयरिंग कह रहे हैं। पहले हम सोचे कि मतलब किसी और के साथ रहे ना शेयरिंग में, तो भाई हम लोग को रूम मिल गया है, बहुत बेसिक सा रूम है, और क्योंकि यहाँ पे रूम्स जो हैं वो बहुत महंगे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। और जो भैया जिनने रूम दिया है, जो यहाँ के ओनर है, वो बताए थे कि जितना लेट होता जाएगा, मतलब जितना शाम होती जाएगी, उतना रूम के चार्जेस बढ़ते जाते हैं। मतलब जो रूम अभी आपको 3000 मिलेगा, वही 7, 8, 9, 10 बजे क्या पता आपको 5000, 6000 ऐसे मिले। तो हमने ऐसे नॉर्मली एक रूम ले लिए हैं क्योंकि हम लोग को बस कुछ घंटों का स्टे करना है और फिर सुबह 3-4 बजे हम लोग को निकल जाना है ट्रैकिंग पे। गाइस, हम आ चुके हैं अपने रूम में और अब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं और थोड़ा भूख भी लगी है और कुछ खाना भी है, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। गाइस, ये हम लोग का रूम और थोड़ा चल के इधर चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। भाई जब पहाड़ों पे आओ तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो चलते हैं, माय गॉड गाइस, स्वर्ग स्वर्ग है ये, जन्नत व्यू देख रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं, तो गाइस यहां तो कुछ नहीं है, तो गाइस यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब बस जंगल है और ये रास्ता निकला हुआ है यहाँ से, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आया, मैं पीछे देख सकते हैं सोनप्रयाग का। और गाइस देखिए, मतलब एक बात बताते हैं, अभी यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा अपने मन क्या बताते हैं। मैंने व्लॉगिंग चालू ही किया है ट्रैवल करने के लिए, और ट्रैवल वो भी कहाँ, पहाड़ों पर करने के लिए। जब मतलब मैं पहाड़ों पर आता ना तो मैं एकदम से खोस आ जाता हूँ यहाँ इन पहाड़ों में, मतलब मुझे पहाड़ों से एकदम मतलब मोहब्बत है, प्यार है। तो आई एम आ माउंटेन टाइप ऑफ गाय जो कि पहाड़ों जाना चाहेगा, ना कि बीच पे। तो गाइस जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इन फ्यूचर, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और जब थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आप लोग से यूट्यूब से, तो आई विल डेफिनेटली, मतलब हम डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे पहाड़ों पे खूब ज़्यादा। तो बस यही है मेरा मोटिव मेन ब्लॉगिंग का। तो गाइस हम रूम में वापस गए, तो देखे रूम में ताला लगा हुआ, लग रहा मम्मी डैडी लोग नीचे चले गए कुछ खाने पीने, तो देखते कहाँ गए हैं लोग। ये देखो यहीं पे बैठे हुए हैं लोग, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कब से तुमको, हम आए थे ऊपर, हम समझ गए ऊपर क्या बोले थे ऊपर। तो अब चले कुछ खाना खा लेते, कि बहुत तेज भूख लगी सबको, मतलब लिटरली भूख लगी होगी बहुत तेज, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और टाइम हो गया है 2:15 होने वाला है। भूख लगी कि नहीं, भूख लगी बहुत तेज भूख लगी है, इनको भूख कहाँ लगती है, इनको वंश को भूख नहीं लगती है, बहुत तेज भूख लगती है हमेशा। अरे मम्मी, बल्कि इसने आलू पराठा खा भी लिया अभी, मम्मी जब रूम ढूंढ रहे थे इसने आलू पराठा खा लिया, तुम्हें कब मिलेगा पनीर अपने लिए ऑर्डर कर चुके पनीर पराठा। अरे यार, मतलब ये कहीं भी चला जाए इसका पनीर पराठा इससे नहीं पता कर सकता कोई भी। तो हमारा खाना आ चुका है और जल्दी से चालू करते हैं खाना खाना। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब चल के थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी थकान सी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, और जब कहीं थक के आओ और फिर जब कुछ पेट भर खा लो तो नींद आने लगता है, अब थोड़ा देर चल के रेस्ट करते हैं। तो गाइस हम सो के उठ चुके हैं, और हमने सोचा था कि हम थोड़ा देर सोएंगे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत टहलेंगे,
पर भाई जैसे हम सोने गए इतनी तेज हमारी आँख लगी, मतलब इतनी तेज नींद आ रही थी कि हम सीधे 4 घंटे बाद उठ रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम सोए थे अप्रॉक्स 3 बजे के आसपास। तो उठते थोड़ा सा पेट में जलन हो रही थी तो हम आए थे यहाँ पे मट्ठा लेने। तो गाइस देखिए मट्ठे की MRP हमारे तरफ या फिर यहाँ पे भी 14 रुपये होती है, लेकिन हमें यहाँ पे मट्ठा मिला है 20 रुपये का। तो मैंने भैया से बोला कि भैया आप MRP के ऊपर कैसे बेच रहे हैं, हाँ ऐसा तो अलाउ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया अब यहाँ से महंगाई चालू हुई है, अभी आपको यहाँ 20 रुपये का मिल रहा है, और ऊपर जाएंगे तो आपको 30 रुपये का, और ऊपर जाएंगे 40, ऐसे रेट बढ़ते जाएंगे। तो गाइस मतलब यही बताना था कि थोड़ा सा बजट बना के आना चाहिए केदारनाथ में, अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो अच्छा सा बजट रख के आइए, क्योंकि यहाँ भाई बहुत महंगाई है। और एक बात और, जहाँ पे हम लोग रुके हैं ये सोनप्रयाग नहीं है, ये सीतापुर पड़ता है, सोनप्रयाग इसके और आगे पड़ता है। लेकिन जो हम लोग जिस बस से आए थे या फिर बस नॉर्मली कैजुअली सोनप्रयाग तक नहीं जाती, अब वो सिर्फ सीतापुर पर रुक जाती है। और सीतापुर पर रूम तो तब भी ठीक रेट पर मिल जाते हैं, 2500 ना 2500 3000 4000 में, पर सोनप्रयाग में और भी ज़्यादा महंगे रूम हैं। और ख़ास कर अगर आप यहाँ पर शाम में आते हैं मतलब रात में लेट में, तो आपके रूम के रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब हाई प्राइस पे मिलेंगे रूम। तो कोशिश यही करिएगा आप लोग केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं कि आप यहाँ सोनप्रयाग या फिर सीतापुर लगभग दिन में या दोपहर में पहुँचें, मतलब इस हिसाब से निकलिएगा, क्योंकि आपको ऋषिकेश से यहाँ पर आने में लगेगा करीबन 7 या 8 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो ऐसा शेड्यूल रखिएगा अपने बस का, जैसे हमने बस बुक की थी 5:00 की और हम यहाँ पे मतलब 12:30 तक आ गए थे। तो ऐसा शेड्यूल रखिएगा कि आप लोग भी जल्दी आ जाए। तो अब चलते हैं रूम में और चल के मट्ठा पीते हैं, और गाइस हम कल निकल जाएंगे केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए, केदारनाथ के दर्शन के लिए। तो कल सुबह हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे निकल लेंगे। तो कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक से कमेंट सब करिएगा, या फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, सुरक्षित, बाय बाय, ओम साईं राम।